हे फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ते, जो कि बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसे बनाने में बस हमें दो तीन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले यहाँ पे क्या करना है, मिल्क को बॉईल करने रख देना है एक कप। फिर उसके बाद यहाँ पे हम 1/2 कप लेंगे कंडेंस मिल्क और उसे लगातार स्टीर करना है बिना छोड़े हुए। फिर हमें जो बॉयल मिल्क रखा था ना, उसको इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और यहाँ पे इसे कम से कम 4 से 5 मिनट पकाएंगे। फिर यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून शुगर डाल देंगे, आपको और चाहिए तो और डाल देना। और नट्स आपका जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालना, इलायची पाउडर डाल देना और फिर इसको अच्छे से कुक करना 5 मिनट। और फिर यहाँ पे इसको स्टीर करके जब ये कुक हो जाएगा उसको गैस ऑफ कर देना। फिर यहाँ पे हम यहाँ पे कॉफ़ी मग होता है ना, उसे लिया मैंने, जो छोटी वाली गिलास आती है कॉफ़ी वाली, अगर उसको कुल्फी मोल्ड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें थोड़ा नीचे नट्स डालो, फिर ऊपर से जो हम लोगों ने मिल्क रेडी किया है उसे बैटर को उसको इसमें ऐसे डालो और एलुमिनियम फॉइल से इसे ढक के कर दो। और फिर नाइफ़ के बीच में कट करो ताकि उसमें जो स्पून है उसको डाल सके। और फिर इसको फ्रीज कर दो 6 से 9 आवर्स के लिए। और फिर आप देखोगे कि आपका कुल्फी एकदम रेडी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इस खाने में भी जो इसका टेस्ट है ना, वो बिल्कुल मार्केट जैसा रहेगा। और ये घर पे हेल्दी और है ही, जो कि आप आराम से बना खा सकते हो। बाहर का हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि कैसे बना, बट घर पर आप बना सकते हो, खा सकते हो, गर्मी इंजॉय कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब।